डेयरी में फल सप्लाई करते हैं और तगादा करने के लिए गए थे, उसी में तगादा में 7,50,000 लेके आ रहे थे, लेकिन डेयरी से ही कोई रैकी कर रहा था। गोल लगातनी समाचार से खबर बटुए, रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पी के मिश्रा जी। ब्रेकिंग खबर अब बड़ा खबर आ रहा बटुए, बाइक सवार अपराधी हथियार के बल पे फल व्यवसायी से 7,85,000 के लूट करके फरार हो गए बड़ा। खबर का बा विस्तार से जानी। रोहतास जिला के देहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत सुवरा मोड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बाइक सवार दो अपराधी एवं फल व्यवसायी से 7,85,000 रुपया लूट के फरार हो गए बड़ा। बड़ा खबर अब ब्रेकिंग खबर बटुए कि 7,85,000 रुपया के लूट एगो फल व्यवसायी से भइल बटुए। पीड़ित व्यवसायी कृष्ण कुमार सासाराम के रहे वाला हवन। घटना के बारे में पीड़ित कृष्ण कुमार बतावत रहन कि डेहरी से फल सप्लाई के पैसा के कलेक्शन करके सासाराम SBI बैंक में जमा करे खातिर जात रह। तब डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुवरा मोड़ के नज़दीक जैसे ही हम पहुँचनी तब पीछे से बाइक सवार दू गो अपराधी ओवरटेक कर के हमारा गाड़ी के रोकले आ हथियार निकाल के रुपया से भरल बाइक छीन के भाग गए। ये बतावत रहे कि हथियार सटा दिए लोग, सटैला के बाद कहलो कि पैसा दे। हम डर गईनी कि कहीं गोली मत मार दे लोग, एक बाद ही लोग बाइक लेके हमार भाग गई। कृष्ण कुमार के अनुसार बैग में 7,85,000 रुपया कलेक्शन करके ले रहा। ये बतावत रहन कि हर जगह हम अपन पैसा के कलेक्शन करे जानी, मोहनिया से लेके सासाराम से लेके डेहरी तक। घटना स्थल पर रोहतास SP आशीष भारती या डेहरी SDPO विनोद कुमार रावत दल बल के साथ पहुंच गई बानी या मामला के तफ्तीश में जुड़ गई बानी। वही SDPO विनोद कुमार रावत बतावतनी कि मामला के छानबीन कैल जाता, घटना के अंजाम देवे वाला अपराधी के जल्द ही गिरफ्तार करे जाए के बात कहल जा रहा बा। बता रहा बड़न फल व्यवसायी कि टाटा मोटर्स के ओजा सेंटर बटुए, वो सेंटर में CCTV कैमरा लगल बा। पुलिस अगर चाही तो CCTV कैमरा के खंगाल ली, कहे से कि वही से हमारो गाड़ी क्रॉस पे ले बिया आ PTA पोई अपराधकर्मी भी रहन तो वो CCTV फुटेज के भी पुलिस खंगाल रहल बिया। अब देखे वाला बात हुई कि कब तक ये फल व्यवसायी के जो साथे जो घटना के अंजाम देले बड़े अपराधी पकड़ल जाता रहा, ये देखे वाला बात हुई। लेकिन बड़ा खबर यह बटुए कि 7,85,000 के बड़ा लूट हो गई बा। पुलिस नाकाबंदी कर दिले बिया, चारों तरफ से छापामारी अभियान पुलिस के चलता। पुलिस के कहना में बटुए कि तो पुलिस यह मामला को लगातार लगल बिया। देखे वाला बात हुई कि पुलिस कब तक ये अपराध कर्मी के पकड़ती है। बता दें कि अपराध अभी भी चरम सीमा पर बटुए पूरे बिहार भर में। अब लूट के घटना में इजाफा हो गई बटुए, पुलिस खातिर ही चैलेंज बटुए कि अपराध कर्मी पकड़ा जाता रन कि ना। ये देखे वाला बात हुई कि कब तक एजा के SDPO SP साहब जौन बानी कब तक ये अपराध कर्मी के गिरफ्त में लेते हैं। लेकिन बयान सुनी आ खबर के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम। बयान सुनी व्यवसायी या DSP के। डेहरी बाज़ार से हम लोग पैसा लेकर निकल रहे थे कलेक्शन करके, 7,85,000 रुपया था और सासाराम हम ले जा रहे थे, उसको SBI बैंक में डालना था। और जैसे सासाराम सुवरा से मुड़ना था वहीं पे आगे पीछे से वो बाइक वाला आया और रुकवाने के बाद सामान वामान हथियार निकाल के खड़ा उड़ा दिया और पैसा उसका दे दो, फिर नहीं दे रहे थे तो कहा गोली मार देंगे हम, देखो छीन उनके अपना। किस चीज़ का पैसा था? फल का, फल का कलेक्शन करके आ रहे थे। कारोबारी हैं आप लोग? जी जी। कहाँ कहाँ कारोबार करते हैं? सासाराम से दिल्ली जाता है, औरंगाबाद जाता है, गया जाता है, औरंगाबाद या मोहनिया कुदरा सब चारों तरफ जाता है। फल सब तरह से कलेक्शन करके हम लोग लाते हैं। रहने वाले कहाँ के हुए? सासाराम के रहने वाले हैं। थाने में कंप्लेन कर दिए? थाने में तो कंप्लेन वही सब स्पोर्ट पे सब काम हो रहा था, अभी तो थाना वाना खाली लिख पढ़ के गए हैं कितना पैसा था उतना था। और हम लोग को रोके हुए हैं कि जैसा होगा आपको बताएंगे, घंटा रुकना पड़ेगा आपको। मतलब अभी तक आप लोग शिकायत दर्ज नहीं की? अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या बोले, किस अधिकारी से बात हुई है आपकी? सारी प्रशासन थी, SP थे, DSP थे, थाना प्रभारी थे, सबसे बात हुआ, सब अपना लिख पढ़ रहे थे। और टाटा मोटर के पास जो है कैमरा लगा हुआ था और मेरा बाइक जो निकल रहा है पीछे से जो लूटने वाला था उसका भी मतलब कि फोटो वोटो लिया गया, तो वो निकाल के सब चेक कर रहे चारों तरफ से। कितने की संख्या में थे अपराधी? दो की संख्या में थे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। रुपये लूटे गए फल व्यवसायी से, क्या कहेंगे? हाँ, घटना थी जिसको क्या कहा जा सकता है, एक तरह का समझिए कि घटना है तो घटना जो भी कही है। और ये कृष्णा जी हैं,
सासाराम के फल व्यवसायी, यानी वही जो है डेयरी में फल सप्लाई करते हैं, और तगादा करने के लिए गए थे, उसी में तगादा में 7,50,000 लेके आ रहे थे, लेकिन डेयरी से ही कोई रैकी कर रहा था, और सुब्रामपुर के पास उनको मौका का फायदा देके सुनसान जगह देख के लिए लिया गया, लेकिन खैर लूट करने वाले अपना काम कर लिए हैं, लेकिन हम लोग भी इसको बहुत अंदर चैलेंजिंग रूप में लिए हैं और इसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो बरामद करेंगे पकड़ेंगे। और हमारे साहब, हमारे एस सी साहब भी आए थे, सारा उनके डायरेक्शन में पूरी टीम काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग जो इसमें सफलता पाएंगे।